भाई साहब ये देखो क्या क्या भाई इसको देख के ना जान में जान आ गई, मजा आ गया इसको देख के। अब निकलते हैं इस पे सवार होके। अरे भाई पानी पानी हो गया, ये क्या बात है। ओके महाराज ओके, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो कितना लंबा जाम है, अरे भाई काम करके बताओ यार क्या कर रहे हो यार। तो भाई साहब ये देखो क्या क्या चल रही है, ये होती बारिश। तो भाई मैक्लोडगंज से हमें वापसी घर की तरफ मिली ज़ोरदार बारिश, और हमारा डिसीज़न था कि हम जाएंगे भाई, घर रुकना नहीं था क्योंकि रेड अलर्ट चल रहा था। और अब भाई यहाँ से हमने एक नया रास्ता निकाला, तो सबसे पहले यहाँ पे अक्षय चढ़ाई करने वाला है। और भाई देख लो पानी कितना आ रहा है यार ऊपर, मतलब ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, और ये इतनी स्टीप है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये आपको दिख मतलब कम रही है कैमरे में, बट है बहुत ज़्यादा। तो इसको पार करके हम निकलते हैं आगे। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, हमें राइट साइड जाना था तो हम लेफ़्ट साइड को टर्न हो गए थे, तो चलो कोई दिक्कत ना। एंड यहाँ से फिर हम राइट को टर्न हुए, एंड आगे बताता हूँ हम आगे कहाँ निकले। तो अभी हम निकले हैं सीधा चौक पे जो है मैक्लोडगंज का, एंड यहाँ से हमने जाना है राइट साइड। देखो भाई बाज़ार में कितना पानी पानी हो चुका है। चलो यहाँ से अभी हमने निकलना है राइट। भाई देख लो कितना लंबा जाम लगा हुआ है ये वापसी टाइम पर। ये ऊपर सिटी से लेके नीचे तक, मतलब कि मैं आ गया हूँ 2 से 3 किलोमीटर तक आ चुका हूँ नीचे, और भाई इतना लंबा जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे भाई फंस गई है एक टूरिस्ट बस, जो कि भाई पता नहीं कहाँ से आई है, एंड वहाँ से निकल रही है HRTC की बस। वो तो भाई बस निकाल लेगा, लेकिन जाम काफ़ी लंबा लग चुका है नीचे। आई थिंक 4 से 5 किलोमीटर तक का जाम लग चुका है। तो यहाँ पर मेरे को आधा घंटा हो गया वेट करते, जब वो बस निकलेगी देन हम निकलेंगे भाई। एंड GoPro भाई अपना पूरा वाटरप्रूफ है, जिस वजह से आपको ये शॉट देखने को मिल रहे हैं। तो देखो भाई सामने, मतलब जितना भी पानी है ना रोड के ऊपर आ रहा है, एंड सिर्फ ये ही नहीं, आगे तो भाई पत्थर भी रोड के ऊपर आ चुके हैं। देखो भाई साहब क्या पानी है भाई, बुरी हालत है। मानसून में कभी भी हिमाचल में मत आओ, बहुत बहुत बुरी हालत है। लेफ्ट साइड देखो कितना पानी है भाई, कहीं से भी पानी आ रहा है वो देख लो, ये सारा का सारा पानी झरना बह रहा है। कितने तो झरने हैं, जगह जगह से पानी आ रहा है भाई हिमाचल में। बुरी हालत हो रखी है रोड की भाई। सामने पत्थर देख रहे हो कितने बड़े बड़े आए हुए हैं रोड के ऊपर नीचे, ये देखो मेरे राइट साइड में। ओ मैन, ये भाई ये होता है हाल मानसून में हिमाचल का, खतरनाक है। तो भाई अपने गाड़ी में तो ऑफ रोड टायर डले हुए हैं, इसलिए तो ये स्लश और ये भाई कुछ भी मायने नहीं रखता। तो भाई एकदम बिछ के चल रही है अपनी बाइक। तो एक तो ग्रिप इतना ज़बरदस्त मिल रहा है ना ऑफ रोड टायर से, कसम से मज़ा आ रहा है चलाने में। सब जगह पानी पानी भरा है, पुल के ऊपर भी भाई साहब आई थिंक ये फुट के तो आसपास हो गई पानी, गाड़ी भाई डूब गई आगे वाली। तो ये अभी कुदरत आंसर दे रही है भाई, ये जो जितना भी काम चल रहा है ना हिमाचल में 4 लेन का काम, ये उसी का आंसर है। देख लो कितनी जल्दी रिप्लाई भी कर दिया कुदरत ने भाई। ये है नूरपुर शहर का चुगान, चुगान में देखो कितना पानी है। तो सोचा नहीं था मैंने कभी भाई चुगान में मुझे इतना ज़्यादा पानी मिलेगा। ये देखो झरना भाई साहब, नूरपुर का झरना मानसून में दिखेगा भाई ये आपको, देखो कितना पानी है भाई। अभी हम आ गए हैं भाई बॉर्डर पे, यहाँ से पंजाब कनेक्ट होगा हिमाचल के साथ, एंड हिमाचल को करते हैं यहाँ से अलविदा। और भाई मानसून में हम नहीं आएंगे फिर से, बहुत मतलब डर भी लगा यार राइड करते करते, डर भी लगा था कि ऐसे कहीं ऊपर से पत्थर या कोई भी ऐसी है ना स्लश ना आ जाए एकदम से। तो भाई मानसून में अवॉइड करो। होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था, और मैक्लोडगंज की जो सीरीज़ थी इसमें बेस्ट एपिसोड आपका कौन सा था।
तो अभी करते हैं वीडियो को एंड और अलविदा लेते हैं आप सबसे, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बाय। और भाई मानसून में ना राइड करना थोड़ा अवॉइड कर दो, और ये मानसून है बस मानसून निकलने जाने दो, जैसे ही मानसून ख़त्म होगा उसके बाद हम राइड स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ताकि आपको नए नए ब्लॉग मिलते जाएंगे। तब तक के लिए स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्टे सेफ, हैव अ सेफ राइड।